हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद मांगीलाल में आपका स्वागत है। हम अपना मॉडल टॉपिक पढ़ रहे थे और बहुत से मॉडल तो हमने कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। और अब हम अगला मॉडल्स पढ़ते हैं जो है ought to, ठीक है, OUGHTTO, ought to। वैसे अगर मॉडर्न इंग्लिश देखे तो ये कहीं पर भी देखने को भी नहीं मिलता, क्योंकि ought to है, ठीक है। इसको जब हिंदी में कहते हैं तो चाहिए, ठीक है, ऐसे बोला जाता है। तो चाहिए तो हमें पता ही है, चाहिए की जगह वुड ने ले ली, शुड ने ले ली, तो फिर ought की क्या ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो पहले ought का प्रयोग ज़्यादा होता था, अब तो लगभग न के बराबर प्रयोग होता है। लेकिन फिर भी मॉडल है, सिलेबस में है, तो हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। ought to का प्रयोग कहाँ पे कैसे वाक्य को बनाने के लिए किया जाता है, पहले तो वो मैं बताता हूँ। जो नैतिक तरह के वाक्य होते हैं, नैतिकता से भरे हुए या अच्छाई या सद्गुणों से भरे हुए, ठीक है, जिसे कहते हैं ना हम अच्छी बातें, जैसे कि हमें सच बोलना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है, हमें बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए, हमें पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, हमें देश की सेवा करनी चाहिए, ठीक है, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, हमें पशुओं को सताना नहीं चाहिए, ठीक है, या ऐसे हमें पेड़ लगाने चाहिए, हमें पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए, हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, ठीक है, हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, हमें पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। ये सारे वाक्य ये क्या है, ये आदर्श वाक्य जिसको हम बोलते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अगर इसको नैतिकता की दृष्टि के देखें, मॉरली देखें, तो ये सारे अच्छे वाक्य हैं कि ऐसा हमें करना चाहिए, अच्छी चीज़ें हैं, इसको करना चाहिए, ये बुरी चीज़ें हैं, इसको नहीं करना चाहिए, ठीक है, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये ऐसे जो भी मॉरली जो किए कहे जाने वाले जो वाक्य हैं उसको पहले इंग्लिश में ought to help, ये मॉडल को के साथ में इसको लिखा जाता था, ठीक है। तो पहले तो हम बता तो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर कौन कौन से वाक्य लिखे जाते हैं, जो नैतिक दृष्टि से, नैतिकता से भरे हुए वाक्य हो, जिसके अंदर सब अच्छी बातें कही गई हो, वो सारे वाक्य ought to के अंदर लिखे जाते हैं, ठीक है। यानी कि इसके अंदर ये बताया जाती है कि कौन सी चीज़ सही है या कौन सी चीज़ करनी चाहिए, ठीक है, या सही तरीका क्या है बिहेव करने का, वो बताया जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, वॉट इज राइट एंड सेंसिबल थिंग टू डू, एंड साथ ही साथ द राइट वे टू बिहेव। ठीक है, ये हमें ये बताता है कि कौन सी चीज़ें सही है और संवेदनशील के हिसाब से कौन सी चीज़ों को करना चाहिए और कौन सा व्यवहार करने का सही तरीका है। जैसे कि हमें बड़ों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, तो ये एक अच्छा तरीका है, ये इसमें हमें बिहेव करना सिखाता है, ठीक है। इसी तरह ये बताता है कि वॉट इज मोरली राइट और फेयर, यानी कौन सी चीज़ें नैतिक रूप से सही है, ये एक तो ये वाले वाक्य हमें ये बताते हैं, ठीक है, और टू मेक सम गुड सजेशंस टू डू, ठीक है, गुड सजेशन टू डू या टू मेक समथिंग गुड सजेशंस और आइडियाज, कोई अच्छे सजेशन देता है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी ने कहा आपको इसको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए,
तो किसी ने अच्छा सजेशन ही तो दिया, अच्छा आइडिया ही तो दिया। तो ये सारे जो वाक्य होते हैं ये सब लिखे जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, मान लो मैंने वाक्य लिखा हमें सच बोलना चाहिए, ठीक है, तो क्या होगा, वी ऑट टू स्पीक द ट्रूथ, ट्रूथ हमें सच बोलना चाहिए। इसी तरह इस वाक्य को ऐसे भी कह सकते हैं हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो इसको नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे, बीच में नॉट लगा देंगे, वी ऑट नॉट टू टेल अ लाई, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, इसी तरह मैंने लिखा वी ऑट टू सर्व सर्व किस पर क्या, हाँ एस ई आर आती है ना, एस ई आर वी सर्व द नेशन, हमें देश की सेवा करनी चाहिए, ये भी नैतिकता भरा वाक्य है। इसी तरह ठीक है, यू ऑट टू क्विट स्मोकिंग, ठीक है, वी ऑट टू यू ऑट टू क्विट स्मोकिंग, यानी तुम्हें स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, या फिर तुम्हें धूम्रपान नहीं करना चाहिए, तो इसको नॉट लगा के ऐसे भी कर सकते हैं, यू या हमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए, तो वी ऑट नॉट टू स्मोक, हमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए। इसी तरह मान लो मैंने वाक्य लिखा वी ऑट, मान लो यहाँ पर और भी लिख सकते हैं, दे लिख सकते हैं, वो अपनी इच्छा है, दे ऑट टू रेस्पेक्ट देयर एल्डर्स, ठीक है, मतलब उन्हें अपने बड़े, अपने से बड़े एल्डर्स हैं उनकी क्या करनी चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए। या फिर यू ऑट टू वर्क लिटिल हार्डर, ठीक है, यानी कि तुम्हें थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए, थोड़ा और हार्डवर्क करना चाहिए। या फिर ही ऑट टू अपोलोजाइज हिम अपोलोजाइज हर, ठीक है, उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। या फिर तुम्हें प्रिंसिपल से मिलना चाहिए, या उसे मिलना चाहिए, तो ऐसे लिख ले सी ऑट टू मीट द प्रिंसिपल, ठीक है, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, वी ऑट टू हेल्प द पुअर, ठीक है, या फिर हमें जानवरों के प्रति दया दिखानी चाहिए, वी ऑट टू शो काइंडनेस टुवर्ड्स द एनिमल्स, ठीक है, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, या वी ऑट नॉट टू स्टोल द मनी, हमें पैसे नहीं चुराने चाहिए, ठीक है, या फिर हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए, वी ऑट नॉट टू कट द ट्रीज, या ट्रीज ही लिखो, दर लिखाने की कोई जरूरत, ठीक है, या फिर हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, वी ऑट नॉट टू
वेस्ट वाटर, ठीक है, हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, वी ऑट टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, ठीक है, इसी तरह और क्या लिखे थे, बहुत सारे बोले तो मैंने, बहुत सारे थे, मुझे भी ये भी याद नहीं आ रहे हैं, ठीक है, हाँ, वी ऑट टू रेस्पेक्ट ट्राई कलर, हमें तिरंगे का सम्मान करना चाहिए, ठीक है, या वी ऑट टू रेस्पेक्ट नेशनल एंथम या नेशनल सॉन्ग, ठीक है, इसी तरह वी ऑट टू ऑबे द ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, ठीक है। अब क्या, अब इतने से तो आपको पता तो चल गया ना कुल मिला करके, क्या कि ये वो वाले वाक्य है जिसके अंदर हम कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ये अच्छी चीजें हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बुरी चीजें हैं, मतलब आपको बताता है कि सही और सेंसिबल चीज कौन सी है और सही तरीका कौन सा है किसी को बिहेव करने का, ठीक है। या एक और, सॉरी एक और याद आ गया, हमें गाली नहीं देनी चाहिए, ठीक है, वी ऑट नॉट टू अब्यूज, ठीक है। इसी तरह ये हमें ये बताता है कि वॉट इज मॉरली राइट और फेयर, ये बताता है कि कौन सा नैतिक रूप से सही और उचित है। टू मेक सम, ओहो ये गो लिखा है, यहां पर लिखना था गुड, गुड सजेशंस और आइडिया, कि कोई अच्छे सजेशन दे रहा है, ठीक है, या कोई अच्छा आइडिया दे रहा है तो वो भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये वो वाले वाक्य है जो पूरी तरह से मॉरली राइट है, ठीक है, कौन सी चीजें हमें करनी चाहिए ये बताता है, कौन सी चीजें हमें नहीं करनी चाहिए ये बताता है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश के अंदर क्या हुआ है कि इन ये ऑट टू है, इसका रिप्लेस हो गया है, उसकी जगह शुड काम में ज्यादा लिया जाता है, ठीक है, मतलब हम ऑट टू की जगह, ये जहां जहां पर भी मैंने ऑट टू लिखा है वहां पर हम शुड लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पहले ऑट टू यूज होता था, अब मॉडर्न इंग्लिश है तो लोगों को ऑट टू बोलना अच्छा लगता नहीं, वो सोचते हैं कि कहाँ अब शुड अलग यूज करेंगे और ऑट टू अलग यूज करेंगे, जब शुड में भी चाहिए होता है, इसमें भी चाहिए होता है, तो हमें क्या है, हमें तो एक ही चाहिए, क्या शुड, ऑट टू कौन बोलेगा। तो आजकल हर लोग यहाँ पर भी सब जगह ही शुड का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमारे जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो फिर मेरा फर्ज बनता है कि मैं चीज़ों को कंप्लीट पढ़ाऊँ, ठीक है। तो ये ऑट टू नॉट, ऑट नॉट टू, ये सब हो गया, ठीक है। तो ऑट टू इतना ही नहीं है, इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है, वैसे इसका कोई पास्ट स्ट्रक्चर तो नहीं होता, लेकिन पास्ट परफेक्ट स्ट्रक्चर इसका होता है, तो वो हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं साइड में हो जाता हूँ, ठीक है, तब तक आप वीडियो को पॉज कर लो और इसको लिख लो, नोट डाउन कर लो, मैं बोर्ड को साफ कर लेता हूँ। तो मैंने लिख लिया ये, सॉरी मिटा दिया है। देखो जिस प्रकार कैन का पास्ट में होता है कुड, मे का होता है माइट, ठीक है, विल का होता है वुड, इसी प्रकार ऑट टू का कोई भी पास्ट में स्ट्रक्चर नहीं होता, लेकिन हाँ इसका परफेक्ट में एक स्ट्रक्चर जरूर होता है, ठीक है, तो वो लिखते हैं हम। क्या है कि ऑट टू का, ऑट टू हैज नो पास्ट S-T-R-E-U-C-T-U-R स्ट्रक्चर,
ought to has no past structure but it has perfect structure. और वो क्या है? ought to plus have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और इसका प्रयोग पास्ट के अंदर ऐसी चीजें होनी चाहिए थी, जिस प्रकार हम कहते थे ना शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका भी वो का वही अर्थ निकलता है, ठीक है। तो कोई खास है नहीं, बस शुड की जगह ऑट टू लिखना है, बाकी वो का वो अर्थ निकला। तुम्हें वहां जाना चाहिए था, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, तुम्हें दरवाजा लॉक कर लेना चाहिए था, तुम्हें मीटिंग सेमिनार अटेंड कर लेना चाहिए था, तुम्हें उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी। तो ये भी तो हमने शुड में वो भी तो पढ़ा है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने पहले शुड में पढ़ लिया है, तो वो का वो ही है और कुछ नया नहीं है। तो मैं वीडियो को पॉज करके इसके चार पाँच स्ट्रक्चर के जो भी सेंटेंस है वो मैं लिखा देता हूँ, ताकि अपना भी टाइम बचे, ठीक है। क्योंकि इसके आगे फिर मैं थोड़ा टाइम रहा तो मैं थोड़ा दूसरा मॉडल स्टार्ट कर लूँगा, ठीक है। तो मैं वीडियो को पॉज करके इसके स्ट्रक्चर है वो लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसके स्ट्रक्चर के लिखे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। शी ऑट टू हैव लॉक्ड द डोर, यानी कि उसे दरवाजा लॉक कर लेना चाहिए था। यू ऑट टू हैव अपोलोजाइज टू हर, तुम्हें उससे माफी मांग लेनी चाहिए थी। दे ऑट टू हैव अटेंडेड द सेमिनार यस्टरडे, उन्हें कल सेमिनार अटेंड कर लेना चाहिए था। ही ought not to have agreed without knowing what it would cost, उसे बिना जाने कि इसकी कॉस्ट क्या होगी, ठीक है, इसका क्या अंजाम होगा, ये बिना जाने उसे एग्री नहीं करना चाहिए था। We ought not to have disclosed our strategy, ठीक है। हमें अपनी strategy, strategy मतलब रणनीति, हमें हमारी strategy को disclose नहीं करना चाहिए था, यानी कि disclose यानी कि उजागर नहीं करना चाहिए था, सबको नहीं बताना चाहिए था, ठीक है। तो ये वही should वाला ही है, जिस प्रकार should have plus verb की third form के अंदर जो sense निकलता है वही ought to have और टू प्लस एव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर सेंस निकलता है, ठीक है। तो ये लिख लो, मैं इसको मिटा देता हूं। अब एक और राय, वैसे तो एक दो शायद और रहे हैं, अब हम चालू करते हैं यूज्ड टू। अब यूज्ड टू है, इसका उपयोग वैसे तो बहुत सी जगह किया जाता है, लेकिन मेनली हम कहाँ करते हैं। हमने वुड पढ़ा था, WOULD, वुड। वुड का एक उसके अंदर पॉइंट पढ़ा था कि यदि पास्ट के अंदर कोई रूटीन एक्शन है, जैसे कि मैंने कहा था कि मेरी दादी 80 साल की थी, फिर भी वो सुबह जल्दी उठती थी और क्या करती थी, डेली मंदिर जाती थी। तो इसी प्रकार के हम जब इस कॉलेज में थे तो डेली कैंटीन में साथ में चाय पीते थे, और क्या पढ़ाया था कि हम सर्दियों में चारों ओर वो आग के चारों ओर बैठते थे, ऐसे ही मतलब मैंने कुछ पढ़ाया था कि मतलब पास्ट में हम ऐसा किया करते थे, ठीक है। तो पास्ट के अंदर कोई हमारी हैबिचुअल एक्शन थी, यानी कि हमारी आदत थी किसी कार्य को करने की, या हमारा रूटीन एक्शन था, ठीक है, यानी कि हम उस कार्य को रूटीन में रोज करते थे, तो उसको बताने के लिए भी यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कुछ बच्चे चिल्ला रहे, मैं उसको भगा के आता हूँ। सॉरी टू डिस्टर्ब,
मैं क्या करे, पड़ोस में है ही बच्चे बहुत सारे हैं, वो बाहर आके चिल्लाते हैं, मैं कुछ कर नहीं पाता, ठीक है तो चलो उनको छोड़ो। तो यूज़ टू का प्रयोग कहाँ होता है? यूज़ टू का प्रयोग मैंने बताया कि जिस तरह वुड के अंदर वुड का प्रयोग हम करते थे, पास्ट का कोई रूटीन एक्शन, यानी कि जो रूटीन में होता था या पास्ट की हमारी कोई हैबिट थी जिसको हम अक्सर उस काम को करते थे, तो उसको हम वुड से दर्शाते थे, ठीक है। लेकिन वुड से तो दर्शाते ही है, वो एकदम एग्जैक्ट सही है, वो गलत नहीं है, लेकिन साथ ही साथ हम यूज्ड टू से भी दर्शा सकते हैं, ठीक है। यानी कि जब मॉडल या फिर ये इसको यूज्ड टू मॉडल का प्रयोग पास्ट की रूटीन एक्शन या हैबिचुअल एक्शंस को दर्शाने के लिए किया जाता है। अब देखो यूज्ड टू, अब यूज्ड है ये तो इतना तो पता ही चल रहा होगा कि यूज्ड है, ये यूज की सेकेंड फॉर्म है, इतना तो आपको दिख ही रहा होगा और इतना तो आपको पता ही है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि ये यूज की सेकेंड फॉर्म ही है। तो यूज्ड टू एक मॉडल वर्ब बन गया, ठीक है। तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट फिर यूज्ड टू और फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करेंगे। किसके लिए? पास्ट की कोई रूटीन एक्शन है उसको दर्शाने के लिए, या कोई हैबिचुअल एक्शन है, ठीक है, उसको दर्शाने के लिए, ठीक है। मान लो मैंने एक वाक्य लिखा, मैं अपने स्कूल के दिनों में क्रिकेट खेलता था, ठीक है। या फिर अगर ऐसे भी आए कि मैं अपने स्कूल के दिनों में क्रिकेट खेला करता था, तो भी बात तो वो की वही है, ठीक है। हिंदी में आप कितनी भी तरह से तोड़ मरोड़ लोगे, वो चीज थोड़ी बदल जाएगी। तो ये पास्ट की मेरी क्या थी, एक हैबिचुअल एक्शन थी, ठीक है, मेरी आदत थी या मेरा रूटीन में था कि मैं स्कूल के दिनों में क्रिकेट बहुत खेलता था। तो क्या होगा इसका सब्जेक्ट, यानी कि आई यूज्ड टू प्ले CRICKET क्रिकेट इन माई स्कूल डेज। आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन माई स्कूल डेज, यानी कि मैं स्कूल के दिनों में क्रिकेट खेलता था। देखो मैंने आपको बताया कि इसकी जगह हम वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वुड का प्रयोग भी पास्ट कि कोई हैबिचुअल या रूटीन एक्शन होता है उसको दर्शाने के लिए किया जा सकता है। मैंने मान लो एक वाक्य लिखा कि मैं घंटों तक क्रिकेट खेला करता था, तो इसको मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, आई वुड प्ले क्रिकेट फोर आवर्स इन माई स्कूल डेज, ठीक है। फोर आवर्स मतलब घंटों तक, ठीक है। यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, यहाँ पर आप चाहो तो लिख लेना, यहाँ पर ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मैंने घंटों तक नहीं लिखा, तो मैंने इसके अंदर भी नहीं लिखा, ये ऐसे ही बोला और ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। आई वुड प्ले क्रिकेट फोर आवर्स इन माई स्कूल डे, यानी कि मैं मेरे स्कूल के दिनों में घंटों तक क्रिकेट खेला करता था। इसी तरह मानो मैंने एक वाक्य लिखा कि वह राम को, या राम को जाने, मुकेश को,
वह मुकेश को पसंद किया करती थी, परंतु अब वह उससे नफरत करती है। वह उससे नफरत करती है, ये तो वर्तमान का वाक्य है, लेकिन कि वह मुकेश को पसंद किया करती थी तो उसका क्या था, आदत थी, पसंद करती थी, ठीक है। तो इसका ऐसे लिखेंगे, शी यूज्ड टू लाइक मुकेश, ठीक है, शी यूज्ड टू लाइक मुकेश, पर वह अब वह उसको नफरत करती है, बट नाउ शी डिसलाइक्स हिम, ठीक है। यानी पास्ट के अंदर वो ऐसा किया करती थी, ठीक है, उसका रूटीन एक्शन था या हैबिचुअल एक्शन था, लेकिन अब वो उसको नहीं करती है। इसी तरह मैंने एक वाक्य लिखा, मैंने लिखा कि मैं लेट उठा करता था, लेकिन अब जल्दी उठता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए एक वाक्य लिखा, आई यूज टू गेट अप लेट, ठीक है, यानी कि मैं लेट उठता था, बट नाउ गेट अप की जगह लिखो गेट्स अप, गेट्स अप अर्ली, ठीक है। यहाँ पर सुबह नहीं लिखा हुआ, नहीं तो इन द मॉर्निंग भी लिख लेता, कि ये मेरी आदत थी कि पहले मैं लेट उठता था। तो यहाँ पर मैंने लिखा, आई यूज टू गेट अप लेट, ठीक है, बट नाउ आई गेट्स अप अर्ली, यानी कि अब मैं जल्दी उठता हूँ, ठीक है। एक और वाक्य लिखा, वह अपने बॉस पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन अब वह विश्वास करता है। जैसे कि ये उसकी पास्ट की एक्शन थी कि वो विश्वास नहीं किया करता था, ठीक है। तो इसको तो हम पास्ट की एक्शन है, इसलिए रूटीन में था, उसको उसकी आदत थी कि वो विश्वास नहीं करने की अपने बॉस के ऊपर। तो क्या लिखेंगे, ही यूज्ड, अब नॉट लगाना है तो नॉट कहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर, ही यूज्ड नॉट टू ट्रस्ट, ठीक है, किस पर, उसके बॉस पर, हिज बॉस पर, अब, बट नाउ ही ट्रस्ट हिम, यानी अब उस पर विश्वास करता है, ठीक है। अब देखो, ये तो मैंने बताया, ये वाक्य पास्ट टेंस का है, और पास्ट टेंस में है तो नेगेटिव बनाना चाहो तो हम डेट से भी बना सकते हैं, और अगर, और मैंने ये भी बताया कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और डेट लगेगा तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ही डिड नॉट यूज्ड टू, ठीक है। अब यूज्ड टू आएगा क्या, नहीं, अब आएगा सिर्फ यूज्ड टू, He did not used to trust his boss, but now he trusts him. लेकिन वह अब उस पर ट्रस्ट करता है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे कि पास्ट में ऐसा होता था, ठीक है, तो हमें उसके लिए लिखा, अब होता है कि नहीं होता वो अलग बात है,
ठीक है, वो जिस टेंस के अंदर होगा उस टेंस के अंदर लिख लेंगे। लेकिन पास्ट के अंदर कोई रूटीन एक्शन या पास्ट की कोई हैबिचुअल एक्शन है तो उसको दर्शाने के लिए हम यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इतना लिख लो, फिर मैं पॉज करके कुछ एक दो एग्जांपल्स और लिखवा लेता हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम था नहीं, 30 मिनट वैसे वीडियो की हो चुकी है, तो ज़्यादा लंबा मैं इसको करना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने तीन ही एग्जाम्पल लिखे। देखो, वे क्लास में लेट नहीं आते थे, ये उनकी आदत थी, ठीक है, हैबिट थी कि वो लेट नहीं आते थे, लेकिन अब वो आते हैं। तो अब आते उससे कुछ मतलब नहीं, हमें सिर्फ पास्ट की आदतों के बारे में देखना है। वे क्लास में लेट नहीं आते थे, दे यूज्ड नॉट टू कम लेट इन द क्लास, लेकिन अब वे आते हैं। बट नाउ दे कम, ठीक है। अब देखो इसको, मैंने बताया नॉट हमें बनाना है, नेगेटिव बनाना है, तो हम डिड से भी बना सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, अगर डिड लिखेंगे तो ये यूज्ड नहीं होगा, यूज होगा, दे डिड नॉट, दे डिड नॉट यूज टू कम लेट, हाँ, इसी तरह क्या तुम अपने कॉलेज के दिनों में ड्रिंक किया करते थे, ये हो गया इंटरोगेटिव। और इंटरोगेटिव होना होता है तो हम क्या करते हैं, जो मॉडल है उसको आगे ले लेते हैं। तो क्या होगा, यूज्ड यू टू ड्रिंक इन योर कॉलेज डेज, ठीक है। और अगर डिड से बनाना चाहे तो क्या होगा, डिड यू यूज टू ड्रिंक इन योर कॉलेज डेज, इसी तरह क्या वह अपने दादी के साथ रहती थी, ठीक है, पास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि वह दादी के साथ रहती थी, तो ये भी इंटरोगेटिव है, तो इसको भी हम मॉडल को आगे लेके बना सकेंगे। Used she to live with her grandparents, या फिर इसको did से बनाया जाना चाहे तो did she use to live with her grandparents, ठीक है, डिड लगाओगे तो भी यूज होगा, यूज्ड नहीं होगा, तो ये इसको उतार लो। तो आज के वीडियो को हम ज़्यादा लंबा करेंगे नहीं, वैसे भी लंबा हो गया है, तो आज का ये यूज्ड टू है, इसको यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है, फिर आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो यदि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में भी बताना, कोई समझ में नहीं आया हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, और शेयर भी करना, अपने दोस्तों को भी बताना, ठीक है, जहाँ जहाँ भी आप शेयर कर सको, इस तरह आप शेयर करके मेरी मदद कर सकते हो, ठीक है, फ्री में मत देखो, शेयर लाइक कमेंट वगैरह तो कर ही लिया करो, ठीक है, आपसे कोई मैं पैसे तो मांग नहीं रहा हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, आप सबको प्रणाम, ओके, बाय, टेक केयर।